हम न्यूटन्स लॉ को बहुत बढ़िया से जानते हैं, कोई हमको धक्का देगा तो उसके बाद रिएक्शन जो होगा वो तो समझेगा ना, जो धक्का देगा वही ना समझेगा। हम तो चाहते हैं कोई आए, हमारा भी तो है नहीं खिलाफ। हम लोग जो भी इन जो भी लोग जो ऐसा किए हैं और इस स्थिति में पी के आर्यन जी को पहुंचाए हैं, उन लोगों के खिलाफ अब तैयारी चल रही है, मतलब एक्शन लीजिएगा। बिल्कुल हम लोग लीगली एक्शन मोड में है। रिएक्शन होगा कोई हमारा उसे करे तब तो उसके बाद ना रिएक्शन पता चलेगा। नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह, आप देख रहे हैं करिश्मा की रिपोर्ट। अभी हमारे साथ भोजपुरी के जो सिंगर हैं संतोष रेणु, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और भोजपुरी में जो अश्लील गानों पे कुछ पत्रकार हैं, जो बहुत सारे गायक हैं, उनके पास जा रहे हैं और तरह तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी मम्मी, चाची और बहन को भी नहीं छोड़ रहे, उनसे पूछ रहे हैं बहुत अश्लील बातें, जो मैं अपने मुँह से नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन वही सिंगर जब अच्छे गानों को गाते हैं, तब वो पत्रकार कहाँ चले जाते हैं, जो उनसे अश्लील गाने गाने के बाद उनके घर पे पहुँचते हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे संतोष रेणु जी? देखिए, सबसे पहले तो एक पत्रकार की गरिमा को देखते हुए हम किसी भी कीमत पे उन लोगों को एक पत्रकार नहीं कहेंगे। वो एक यूट्यूबर हैं जो चंद व्यूज़ पाने के लिए, दो पैसे कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। पत्रकारों की जो गरिमा है उसकी इतिहास बहुत पुरानी और गौरवपूर्ण रही है। पत्रकारिता कोई खेल नहीं है। पत्रकार और पत्रकारिता समाज के चौथे स्तंभ होते हैं, लोकतंत्र की चौथी इकाई होती हैं। समाज में पनप रहे कुछ जो प्रश्न होते हैं, पत्रकार उन प्रश्नों को एक ब्रिज के सहारे, अपने चैनल को ब्रिज बना करके उन प्रश्नों को सत्ता से पूछते हैं। और सत्ता के तरफ की कुछ बातें होती हैं, इन्फॉर्मेशन होती है जो आम जनता तक रखते हैं, इनको बोलते हैं पत्रकार और पत्रकारिता। तो क्या ये जो पत्रकार है सिर्फ टीआरपी के लिए ऐसे गायकों के पास जाते हैं? ये चाटुकार कह सकते हैं इसको, इनके लिए चाटुकार शब्द ज़्यादा बेटर होगा। और ये यूट्यूबर हैं, इनका न तो पब्लिक से कोई लेना देना है और ना तो देश और दुनिया समाज से लेना देना है। उसी पी के आर्यन के पास जब वो अच्छे गाने गाते हैं, तब ये पत्रकार क्यों नहीं पहुंचते हैं? क्योंकि उस टाइम उनको टीआरपी नहीं मिलेगा। और जब भी कोई गंदा वर्ड वाला गाना होता है, ये पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि हम इनका रिलाई करने जा रहे हैं। वो अच्छी भाषा भी तो बोल सकते हैं कि हम इनसे पूछने जा रहे हैं कि ये क्यों ऐसा वर्ड बोले हैं। लेकिन वो लोग खुद, जब आप पत्रकार होकर अभद्र भाषा बोलिएगा तो आप कैसे पत्रकार हैं? देखिए, मार्केट में दूध भी बिक रहा है और मदिरा भी बिक रहा है। दुनिया में दूध के सेवन करने वाले भी लोग हैं और मदिरा पान करने वाले भी लोग हैं। जहाँ दूध का दुकान है वहाँ पे जाहिर सी बात है कि जो भीड़ जो लगी होगी वो दूध पीने वालों की भीड़ लगी होगी, दूध खरीदने वालों की भीड़ लगी होगी। और जहाँ पे मदिरा के दुकान पे, शराब के दुकान पे अगर क्राउड है, जाहिर सी बात है वो शराब पीने वाले लोग या उससे रिलेटेड लोग हैं। तो हम वहीं पे जाएंगे ना जिन चीज़ों को हमारी तलब होगी। अच्छा, आप पी के आर्यन के दोस्त भी हैं, सहयोगी भी हैं, साथ में काम भी किए हैं आप, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये जो अफवाह फैलाया जा रहा है कि उनको फूड पॉइजन हुआ था, वो कोई जहर नहीं खाए थे, तो ये बात कहाँ तक सही है? देखिए, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग जो है वो डॉक्टर साहब ने एक टेलीफोन कोई व्यक्ति किए थे तो उसमें उन्होंने कहा कि फूड पॉइजनिंग ऐसा है। मैं इस उनके वक्तव्य के लिए मैं डॉक्टर साहब को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि डॉक्टर या जो भी सामाजिक व्यक्ति हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि समाज में दंगा का माहौल उत्पन्न हो। और जाहिर सी बात है कि कोशिश करेंगे कि अगर कुछ इलीगल बातें भी हैं तो उसको दबा करके समाज में सामंजस्य की व्यवस्था पुनः कायम की जाए, इस तरफ हम लोग कार्य करते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि फूड पॉइजनिंग है, तो अब इस पे भी अगर लोगों को कंट्रोवर्सी है तो अगर कहीं डॉक्टर साहब सच्चाई बता देंगे और उसके बाद अगर दंगा भड़केगा तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? यही चाटुकार लोग होंगे। हाँ। फिर यही चाटुकार लोग बोलेंगे कि डॉक्टर साहब चाटुकार बोल रहे, वो लोग अपने आप को पत्रकार बोलते हैं, वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं, वो तो राष्ट्रपति अपने आप को बोल सकते, तो हम राष्ट्रपति थोड़े मान लेंगे। मतलब आप उनको पत्रकार नहीं मानते?
पत्रकार, अगर हम बोल तो रहे हैं कि पत्रकार की जो परिभाषा जो है वो जहाँ तक हम जानते हैं तो उन परिभाषा में कहीं वो फिट नहीं बैठते हैं, तो हम कैसे पत्रकार मान लें उन्हें। अच्छा, आप अगर कोई गाना गाते हैं, ठीक है, उसको लिखते हैं, तो आप इंटरटेनमेंट के लिए वो सारी चीज़ें लिखते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके घर में आके कोई आपकी मम्मी को, आपकी चाची को बोलेगा कि बताइए आपके बेटे ने ऐसा गाना गाया है, आपको कैसा लग रहा है, तो इस पर क्या रिएक्शन होगा आपका? इस पर रिएक्शन होगा कोई हमारा उसे करे तब, तो उसके बाद ना रिएक्शन पता चलेगा। अगर आपको ऐसा कोई करे तो आपको टच करके धक्का दे रहा है, क्यों ऐसा गाना गाए, क्यों ऐसा, आप जज नहीं ना बन सकते, आप पत्रकार हैं, आप किसी को जज क्यों कीजिएगा। वही ना कह रहे हैं कि जैसे हम न्यूटन्स लॉ को बहुत बढ़िया से जानते हैं, कोई हमको धक्का देगा तो उसके बाद रिएक्शन जो होगा वो तो समझेगा ना, जो धक्का देगा वही ना समझेगा। हम तो चाहते हैं कोई आए, हमारा भी तो ऐसे नहीं करता है लोग, हमारा भी एगो आया था, एगो हमारा लिखा था गालीबाज गायक, तो गालीबाज गायक लिखा, उसको फोन किया, हमें कहाँ है आप। गालीबाज गायक आपको क्यों बोल दिया जाता है? अब क्यों बोला जाता है वो तो वही जानेगा, हम तो हम सोचे कि भाई उससे मिले, हाँ, थोड़ा सा गुफ्तगु करें उससे, हाँ। लेकिन हम उससे कोशिश बहुत किए, बोला भी कि हमारे ऑफिस पे आइए, गए तो वहाँ पे फिर फोन नहीं उठाने लगा, बोला कि हम बक्सर चले गए हैं, और आज तक नहीं मिला है वो। उसके बाद दो चार दिन के बाद वो बहुत सारे चाटुकारों को एक साथ ला करके बोला कि खिचड़ी बना रहे हैं हम लोग, तो बुड़बक के मालूम नहीं है कि वो खिचड़ी जो है, जब आदमी बीमार पड़ता है ना, तो बीमार पड़ता है उसके बाद डॉक्टर लोग खिचड़ी खिलाते हैं, उससे पंथ पड़ता है। हम लोग खीर खाने वाले लोग हैं, देखिए अभी भी दूध का सेवन कर रहे हैं। हो सकता है लोग बोलेंगे कि झूठो मोटो, तो देखिए देखिए दूध है, देखिए इसमें बादाम और किशमिश सब मुनक्का सब इसमें मिक्स किया हुआ है। हम लोग दूध, और ये मेरा चौथा गिलास है अभी का। तो आप पत्रकार है तो उसके प्रोफेशन पे जाइए ना, अगर वो कुछ गलत वर्ड बोला है उस पे जाइए, लेकिन सबके पर्सनल मैटर पे ये क्यों घुस जाते हैं? देखिए पत्रकार रहेंगे तब तो वो प्रोफेशन उनका कोई होगा, चाटुकार हैं तो चाटुकार का क्या प्रोफेशन हो सकता है? चाटुकार का तो काम ही है कि जहाँ पे कोई जरूरत नहीं है वहाँ भी घुस के चटचटाते रहेगा वो, उसका तो काम ही है। तो इन लोगों के खिलाफ हम लोग, जो भी लोग जो ऐसा किए हैं और इस स्थिति में पी के आर्यन जी को पहुँचाए हैं, उन लोगों के खिलाफ अब तैयारी चल रही है, मतलब एक्शन लीजिएगा। बिल्कुल हम लोग लीगली एक्शन मोड में हैं, बिल्कुल लीगली एक्शन मोड में हैं, और हम उन पत्रकार की माताओं बहनों को नहीं कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि वो भी हमारी माताएं बहनें जैसे ही सम्मानित हैं, लेकिन अब जो गलती करेगा तो फिर तो कब तक चुप रहेंगे, कब तक चुप रहेंगे? चुप रहने की भी एक सीमाएं होती है। आप ये बताइए कि एक व्यक्ति को आप लगभग हत्या करिए ना दिए थे, वो तो मैक्सो हॉस्पिटल का देन है, वैसा हम चाहते हैं कि हर हॉस्पिटल बन जाए और हर डॉक्टर डॉक्टर विक्रम जी के जैसे बन जाए, डॉक्टर पवन जी के जैसे बन जाए, जो आज तक एक रुपया नहीं लिए और लगातार इलाज जारी है। लास्ट में हमारी ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे? ऐसे ही पत्रकार यही होते हैं, पत्रकारों के सवाल करने का तरीका यही होता है, ऐसे ऐसे पत्रकारों को प्रमोट कीजिए, और ऐसा नहीं कि हम आपके चैनल को जबरदस्ती कोई प्रमोशन दे रहे हैं, नहीं, आप भी अगर जिस दिन सवाल जैसे दूसरे तरीके से करेंगे तो उस दिन आपका भी हम शिकायत करेंगे। बिल्कुल, तो ये पत्रकारिता की ये होती है गरिमा, इस तरीके से सवाल कीजिए ना, सवाल तीखा हो, होता ही है, पत्रकार निष्पक्ष होने ही चाहिए, तो सवाल कभी अच्छा भी आ सकता है, कभी तीखा भी आ सकता है, और वो सम्मानजनक शब्दों के साथ हो तो अच्छा लगता है, यही पत्रकारिता होती है। करिश्मा की रिपोर्ट, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कर लीजिए, और ऐसे ऐसे पत्रकारों को आगे बढ़ाइए। आप देख रहे थे करिश्मा की रिपोर्ट, और आप अपनी प्रतिक्रिया मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिएगा, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।